ऐसे ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ तो ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो समाज को और देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं, सब कुछ देने को तैयार हैं। जब हमने गोहाना में मीटिंग करी थी तो वहाँ कुछ जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने वाले कुछ योद्धाओं ने अपनी जिम्मेदारी में और अपने योगदान में इतनी बड़ी बातें लिख दी जिनको सुनकर के मतलब कई बार गर्व भी होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं, और कई बार एक डर भी लगता है कि अगर इनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो क्या होगा। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि आप हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा ऊंची जगह पर बिठाइए मत। इतना ज़्यादा वजन अगर हमारे कंधे नहीं बर्दाश्त कर पाए तो इस पूरा का पूरा तंत्र ध्वस्त हो जाएगा, जो कि ये चाहते हैं बुरे लोग। इसलिए साथ आकर के जिम्मेदारियां ले लीजिए, साथ आकर के संभाल लीजिए ईमानदारी से जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और हम एक तरह से हमें मार्गदर्शन मंडल में डाल दीजिए। हम लोग लोगों के सामने इतने इतने ऑप्शंस दे देना चाहते हैं कि लोगों को ये ना रहे कि हम करें क्या। हम उनके सामने इतने ऑप्शंस बता देंगे। तो जहां एक तरफ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपनी योगदान में लिखा कि जीवन दान, मतलब हमने उनसे ये पूछा आप क्या योगदान दे सकते हो, यानी आप इसमें क्या जोड़ सकते हो, तो उन्होंने कहा मैं अपना जीवन दान देता हूं जनता सरकार मोर्चा को। मतलब ऐसे लोगों को हम लोग उनके त्याग को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे मुझे नहीं मालूम। दूसरी तरफ ऐसे लोग और ऐसे नाग भी फन उठाकर खड़े हो गए हैं कि देवेंद्र बलहारा तुझे तो नेस्त नाबूद करके छोड़ेंगे। वो कहते हैं तुमने हमारी ये वाली बात नहीं मानी तो तुम्हारा वो वाला कांड उजागर कर देंगे। मैंने उनको कहा तुम सब कुछ उजागर कर दो मेरे दोस्तों। मतलब क्या है कि सरकार में बैठे कुछ लोग हमारे लिए फ्रेम कर रहे हैं, कुछ धमकी आ रही है, कुछ बता रहे हैं हमको कि तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, समाज के सामने तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को जीरो कर देंगे। तो हमने ये कहा कि देखो भाई, हम अपनी जान के जोखिम डालकर चले हैं। जब हमने अपनी जान ही दे दी है देश के लिए, तो फिर इज्जत बेइज्जती का क्या खेल है। मतलब जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं साथ लग के, सारा देश जो लड़ रहा है इन ताकतों के खिलाफ, वो लड़ाई व्यक्तिगत सम्मान और व्यक्तिगत अपमान से कहीं ऊपर है। तो मैंने उनको यही कहा है कि आपसे जो बन पड़े आप कर लीजिए, क्योंकि अगर आज आप ब्लैकमेल करेंगे तो फिर आप आज से 5 साल बाद भी करेंगे, फिर तो जिंदगी भर ब्लैकमेल रहना पड़ेगा। और मैं अपने लोगों को, भारत के लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं। जब मैं जेल से बाहर आया था, हमने 3 तारीख को, 3 जनवरी को पूरी दुनिया को पता चला था कि हम इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं मुखर होकर के, जनता सरकार मोर्चा में जो लोग शामिल हैं अभी, क्योंकि अलग अलग लड़ रहे थे तो इनको जनता सरकार मोर्चा ने इकट्ठा कर दिया। उससे पहले हम भी बोल रहे थे और दूसरे संगठन भी बोल रहे थे। तो जब 3 तारीख को मालूम पड़ा, उससे पहले जितने लोग हमसे जुड़े थे, जैसे मेरा पेज था सोशल मीडिया पे, जो मुझे एज ए काउंसलर जानता था, जो एज ए टीचर ट्रेनर मुझे जानता था, जो जानता था कि मैं मतलब किस तरह से मेरी लाइफ रही है पिछले 12 साल का, उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था सोशल मीडिया का। इसी तरह से यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हमारी पुरानी वीडियोस भी थी और इस गेम से रिलेटेड भी थी, तो वो सारी भी उनको पता थी। तो उन लोगों को मालूम था 3 से पहले लोगों को, लेकिन जो लोग 3 तारीख के बाद जुड़े हैं, अब उनको कौन बताए कि भाई हम भी इंसान हैं। अब आप लोग तो कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, कोई अवतार बता देता है, कोई भगत सिंह बता देता है, कोई राजीव भाई के साथ कंपैरिजन कर देता है, लेकिन हम तो
उनके जूती की धूल के बराबर भी नहीं है। हो सकता है कि हम 3 जनवरी से पहले बहुत खराब इंसान रहे हों, बहुत गलत इंसान रहे हों, तो आपने तो नहीं जाना हमको, लेकिन आपने हमारा साथ दिया हमारे काम को लेकर के, तो अब मुझे पूरा यकीन। हाँ, एक चीज़ इसमें हुई कि जब आप लोग हमारे साथ आए इस काम को लेकर के, तो जो पुराने लोग हमें बहुत इंटेलिजेंट समझते थे, जो हमको बहुत अच्छा टीचर ट्रेनर और बड़ा अलग अलग काउंसलर के तौर पर देखते थे, वो हमसे भाग गए। उन्होंने कहा ये तो सरकार का विरोधी आदमी है, ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है, ये तो पता नहीं क्या, मतलब उनको अलग अलग विचार थे और उसके हिसाब से वो हमसे कन्नी काट गए। तो हमने सोचा कि ठीक है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें नया रीसेट तो होगा ही सारी चीज़ों का, तो ये रीसेट हो रहा है, जो लोग जागे हुए हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे, जो सोए हुए हैं वो हमसे भाग जाएंगे। तो जो अभी भी लालच में फंसे हुए हैं, अहंकार में फंसे हुए हैं, वो अपने उसी अहंकार वाले दौर में लगे रहे। तो सरकार से जुड़े कुछ लोग हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि कुछ ऐसे दस्तावेज तैयार किए जाएं जिनमें किसी भी तरह से इस तरह का माहौल बनाया जाए कि हमारी आवाज़ की क्रेडिबिलिटी को धूमिल किया जा सके, उसको कमज़ोर किया जा सके। एक कलाकार कह रहा था कि तुम तो अपने वीडियोस में बोलते थे कि जापान में, अमेरिका में 6G 7G है। उसका मतलब ये था कि जो आज 4G की स्पीड है और तुम लोग 5G को स्पीड की वजह से लेकर के लाना चाहते हो, तो जापान अमेरिका में तो 6G और 7G चल रहा है पहले से ही। आई बात समझ में? मतलब स्पीड, अनलिमिटेड स्पीड वहाँ है ही है, कितनी बड़ी फाइल क्लिक करो 1 सेकंड भर में डाउनलोड हो जाना, इसी को तो हम लोग स्पीड कहेंगे। तो उसके लिए 5G की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इन चक्रों में पड़े। बाकी कुछ जगह पर ऐसी कॉल्स आ रही हैं कि उनके रेडिएशन वाले टावर हैं वो उखाड़ने पड़ेंगे, वो चाहते नहीं हैं, पूरा मोहल्ला साथ है, तो सरकार के लोगों को कैसे समझाएं और किस तरह से चलें, इस पे भी अब रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने के लिए आया था, अभी वीडियो बनाई थी ये, कि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनको भी ये मैसेज चला जाए, जो ब्लैकमेलर्स हैं उनको भी मैसेज चला जाए कि हम ब्लैकमेल नहीं होने वाले हैं भाई, आपको जो करना है, जितनी बदनामी करनी है, जितना आपको गंद खिंडाना है, जो मीडिया का, क्योंकि देखिए क्या होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा कमज़ोर है, जनता सरकार मोर्चा का, क्योंकि हमारे हमारी रीच बहुत कम है, तो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कोई मुद्दा उठाएगा तो वो रीच जो है वो इस तरह से हो जाएगी कि भाई एक तरह से हम कम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे और वो गंदगी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देंगे, हालांकि फ़र्क कुछ नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जिस देश की जनता ने, जिन लोगों ने, मतलब जनता ने तो नहीं कहूँगा, जिन लोगों ने तड़ी पार को भी माफ़ कर दिया, उसको भी गृह मंत्री बना दिया, लड़कियों की जासूसी करने वाले को भी बना दिया, जिसने मतलब एक से एक करप्ट लोगों को अगर वहाँ बिठा रखा है, तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? हमें तो कुछ चाहिए भी नहीं बदले में, हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और फिर अपना रोल अदा करके अपना कोई और काम जो कर रहे थे, जो असली हमारा पैशन है, हम उसी पे लग जाएंगे फिर इसको करने के बाद। तो आप एक तो ये करना है, दूसरा परसों 10 तारीख को वो वीडियो जो है वो मतलब सॉरी परसों नहीं, ये तो कल ही है, आज 9 तारीख है और कल है हमारा वो शाम को 8 बजे एजुकेशन वाली जो वीडियो है, जिसमें पता लगता है कि जो जिनको हम लोग कहते हैं ना कि ये लोग समझने को तैयार नहीं, वो कैसे लोग हैं और कौन लोग हैं जिनको नहीं आ रहा है, ये मुद्दा उठेगा और इस पे हम बात करेंगे। कल की जो वीडियो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपके आसपास कोई ना कोई, बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे, तो उससे रिलेटेड जितने सवाल हों आप उस पर लिख डालिएगा, लाइव चैट पर नहीं, मैसेजेस पर डालने पड़ेंगे आपको, लाइव चैट कई बार नहीं देख पाते उधर को, तो आप कमेंट बॉक्स में डालना है आपने, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल दीजिएगा, एक वीडियो फिर उस क्वेश्चंस के जवाबों पे बना देंगे। और 300 400 लोग रहते हैं अभी जुड़ने भाई,
अगर सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए तो हम फिर अपलोड करने की बजाय इसको अगले दिन से के लिए सरका देंगे। फिर आप शनिवार को देख लेना, फिर आप संडे को देख लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन ठीक नहीं है ये, आप ये पूरा करवा दीजिए। एनी हाउ नहीं भी होगा को भी कोई बात नहीं, हम कल ही कल का ही शेड्यूल है तो कल ही चलेगा। कल अपने सभी दोस्तों को बोल दीजिएगा कि भाई आप ये वीडियो जरूर देखना, वो लिंक अपना अपने आप अपडेट भी हो रहा है। तो एक तो ये पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट ये है कि 11 तारीख को करनाल में हम लोगों की मीटिंग है, जो करनाल के साथी हैं, कुरुक्षेत्र के साथी हैं, पानीपत के साथी हैं और कैथल के साथी हैं। बहुत से लोगों तक खबर नहीं पहुंच पाती, तो जो जनता सरकार मोर्चा में जिम्मेदारी ले सकते हैं, स्टेट मीटिंग के अंदर अपना रोल अदा कर सकते हैं, वो कल पहुँचें। जो कल नहीं, सॉरी, परसों को 11 तारीख को शोहरत होटल है, वहाँ पर आप पहुँचिए। हम मीटिंग करते हैं इजी डे के ऊपर, मॉडल टाउन करनाल में, हॉस्पिटल चौक के पास। और नेक्स्ट इसके अंदर है कि उसमें केवल वो लोग पहुंचे जो जनता सरकार मोर्चा की आइडियोलॉजी को समझते हैं और जानते हैं, जानना चाहते हैं वाले ना पहुंचे। यहाँ पे वही लोग जिनको मालूम है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, तो कई लोग नई बात उठाना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो उनको हम कहते हैं ये बिल्कुल बिगनिंग वाली बातें हैं, ये हम या तो अलग से बैठ के कर लेंगे या मीटिंग बुला लीजिए उसमें पूछाएंगे। तो यहाँ का मुद्दा है स्टेट की मीटिंग के लिए तैयारी करना। और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है कि 11 तारीख को ही देश का जो किसान है वो अपने लिए क्या इंतज़ाम करे, किस तरह से इंतज़ाम करे कि उसका जो पानी है वो ख़राब ना हो, जोहड़ का, नदियों का और उसके आसपास झील है उसका, यहाँ तक कि जो टॉयलेट में जो मल मूत्र है वो एक ही जगह पर जाता है, तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके एक मेथड तैयार किया है कि आपके आसपास ऐसी चीज़ें जो मीथेन वगैरह और नाइट्रोजन वगैरह रिलीज़ करती है, अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह अगर रिलीज़ करती है, वो उन चीज़ों को भी खाने में सक्षम है। उसको कल्की बोलते हैं कि उसमें कल्की डाल दो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत से रिजल्ट ऐसे आए हैं कि आप अपने मतलब पानी को स्वस्थ रख सकते हैं और उस फिर जो मलमूत्र वगैरह है उसको बिना किसी मतलब जैसे अभी तक क्या होता है, हमारे जो टॉयलेट्स के जो गड्ढे होते हैं उनमें से वो मलमूत्र ले जाया जाता है पहले किसी ट्रक में और फिर वो उसको नदियों में डाल देते हैं। तो अभी हम वो नहीं करेंगे, वहाँ से सीधा वो ट्रीट हो जाएगा, सीधा खेत में डालने जैसा हो जाएगा, डालने लायक हो जाएगा। तो उसका कॉन्सेप्ट का नाम ही उन्होंने वो दिया है कि खेत से पेट तक और पेट से खेत तक, कहने का मतलब है। और असल में यही होता था, असल में ही यही तरीका है कि इन्होंने पहले ये टॉयलेट्स बनाने के पीछे का षड्यंत्र ही ये था कि किसी भी तरह से इनका जो नेचुरल सिस्टम है जहाँ पर ये अपने मलमूत्र को इस तरह से, मलमूत्र से कभी बीमारियाँ नहीं हुई हैं। जब जंगलों में जाया करते थे लोग बाग, बाहर जाते थे, उस वक्त हमारे गांवों के अंदर अस्पताल नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, तो ये तो शुरुआत ही वहाँ से हुई है। बाकी कल्चर ये लोग खराब करने पे लगे हुए हैं, इसको हम लोग करने नहीं देंगे। आप लोग मतलब किस तरह से साथ रहेंगे और कैसे निभाएंगे इसका तो फैसला आपने ही करना है। देखिए हम निर्णय ले चुके हैं और अब मुझे लगता है हम उस जगह पर पहुंच चुके। देखिए मैं वापस मुड़ना चाहता हूं कि मैं अपने एजुकेशन के काम को ही आगे बढ़ाऊं, लेकिन कोई इस काम को तो संभाल ले, कोई ऐसा वक्ता अगर तैयार है अगर आने के लिए, हम तैयार हैं उसको जिम्मेदारी देने के लिए, हमें कोई शौक नहीं है। फिर अकेले नहीं रह सकते वो सब, क्योंकि सरकार को ये मालूम है कि इस आदमी को अकेला होते ही इसको रगड़ना है, तो वो वेट कर रहे हैं कि आप लोग कब हमको छोड़ करके भागें। तो इसलिए पहले बदनाम किया जाएगा, उसके बाद
आरोप लगा करके, फिर केस लगा करके, फिर कोर्ट केसेस में उलझा करके इतना परेशान कर दिया जाएगा कि हमें भी फिर अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। ये हम तब जारी रख सकते हैं जब डेडिकेटेड लोग हमारे साथ रहें, और सिर्फ एक मीटिंग में नहीं, फिर हर मीटिंग में उनको आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को ये पता होना चाहिए कि इनकी ताकत डे बाई डे बढ़ रही है। तो आप अगर एक मीटिंग में आ गए तो दूसरी में भी आना पड़ेगा, तीसरी में भी आना पड़ेगा। हमारे पास नहीं है इंतज़ाम कि हम आपके लिए गाड़ी भेज दें उन लोगों की तरह, हमारे पास नहीं है कि हम आपको गाड़ी में पेट्रोल डलवाने का वो दे दें। कई बार हमारा जी करता है कि हम संगठन से, लोगों से मांग लें कि हमारे पास नहीं है कई बार अगर पैसे, तो हम बाकी लोगों से मांग लें रोज़मर्रा की, लेकिन हमें लगता है कि अभी मांगे ना मांगे, फिर बैठ के हमारे बीच में मतभेद होता है, चर्चा होती है। कोई कहता है कि संगठन का काम तो संगठन के लिहाज से ही चलेगा, जनता का काम, लोगों का काम, समाज का काम तो समाज के तरीके से चलेगा और समाज के योगदान से चलेगा। मैं मानता भी हूँ इसमें। तो जो साथी मान लीजिए ऐसा है कि जो चाहते हैं हम लोगों को सपोर्ट करना, वो बता दीजिए कि हाँ हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, और आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम आपको वो अकाउंट्स दे देंगे। देखिए एक अकाउंट नंबर नहीं है हमारे पास जिसमें ही आपको डालना हो, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो पेट्रोल पंप से जहाँ हमसे पेट्रोल लेते हैं उसका अकाउंट नंबर दे दिया कि उसमें हमने पैसे डाल दिए कि हम उसमें से लेते रहेंगे फिर अपना डीजल वगैरह जितने भी उनका है, और या फिर इतना काम चल जाएगा बस हमारा। या फिर जैसे अभी हमारा होटल हमने किया है, जो पिछले वाला था वो हमारा एक स्कूल में हो गया था तो वहाँ हमारे को खर्चा नहीं देना पड़ा, इस वाले में हमको जेब से खर्च करना पड़ेगा। तो अगर एक ही इंसान या एक ही ग्रुप खर्च करता रहेगा तो फिर वो भाग जाएगा, फिर वो नहीं आएगा। तो मेरी गुजारिश है कि हम लोग साथ आकर के, इकट्ठा होकर के इसमें मदद करें दूसरे की, तो ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा रहेगा और फिर इफेक्टिव भी रहेगा और ज़्यादा लंबे समय तक भी चलेगा। तो ब्लैकमेलर से हम नहीं डरेंगे भाई, आपके रास्ते खुले हैं और समाज के लिए जी जान से हम लोग लगे हुए हैं, किसी की मत पर पीछे नहीं हटेंगे।